अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो कुक एंड प्रेजेंट की किचन के अंदर आज बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक। तो जी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन और अपने कमेंट्स में अपने हाल चाल से हमें आगाह करते रह कीजिए। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बीफ ब्रेड कटलेट्स। तो जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून, और यहाँ पे हमने 2 अदद गार्लिक क्लॉव्स को खूब अच्छे से चॉप कर लिया है, और अब हम इसको सौते कर लेंगे ऑयल में। तो जी, ये बन रही है बीफ ब्रेड पैटीज, क्योंकि हम इसके अंदर पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उसकी जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनने वाले हैं। तो रेसिपी को खूब अच्छे से फॉलो करें और ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो गार्लिक क्लॉव हल्का हल्का गोल्डन होने लग गया, इस स्टेज पर हम 1 अदद प्याज शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर 1 अदद प्याज लेके उसको खूब अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया था। जी, इसके साथ ही मेरे पास है 150 ग्राम कीमा, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमें इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि प्याज अच्छे से सौते हो जाएं और कीमा हमारा गल जाए। इस काम में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखिए, कीमे ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसके अंदर मॉइस्चर आ गया, और इसी पानी में कीमा खूब अच्छे से भुन जाएगा। तो जब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले, यहाँ पे हमने नमक ले लिया है हसबे जायका, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। तो जब हम इसको इसके अंदर खूब अच्छे से भून लेंगे, अब हमें इसमें शामिल करना है, ये पे मैंने मैदा ले लिया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैदा लेके आपको इसको 1 से 2 मिनट खूब अच्छे से भूनना है। तो जी, 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप दूध। तो जी, अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ ओरिगानो लीव्स खुशबू के लिए, और इसको हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। और यहाँ पर इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज। तो जी, बस अब हमारा मिक्सचर रेडी, और हम इसके नीचे स्टोव को ऑफ कर देंगे और उस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। यहाँ पे हमारा मिक्सचर कूल डाउन हो चुका है, अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे हमने ले लिए ब्रेड स्लाइसेस, जिनको हमने राउंड में कट कर लिया है। मेरे पास ये एयरटाइट कंटेनर था, जिसकी वजह से मैंने इसको राउंड में कट कर लिया। आप स्टील का ग्लास हो या रिंग हो, किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको बेलन की मदद से इस तरह से फ्लैटन कर लेंगे, और इसी तरह हमने तमाम पीसीस को फ्लैट कर लेना है। तो जी, आप चाहें तो कोई से भी डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं। यहाँ पे फ्लैटन हुई ब्रेड के ऊपर विश का भी यहाँ पे मिक्सचर रखें, और ऊपर से दूसरे ब्रेड के साथ इसको बंद कर दें। लेकिन मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसको हाफ मून की शेप। तो जी, मैं आपके सामने ये बनाऊँगी। इस तरह से हम इसकी फिलिंग करेंगे, अच्छी रिच फिलिंग हम इसके अंदर करेंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसको हम यूँ बंद कर देंगे। अच्छा जी, ऐसे हमने कुछ फिलिंग कर ली, और फिर ब्रश की मदद से हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है, ताकि हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। और इसको हमने खूब अच्छे से साइड से प्रेस करके बंद कर लेना है। देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा हाफ मून रेडी हुआ है। इसी तरह से हमने तमाम हाफ मून्स रेडी कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो पहले भी ब्रश को से मदद से इसको पानी लगा ले सकते हैं ब्रेड को। तो जी, अपने हाफ मून को बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम इस पर लगाएंगे एग वॉश और ब्रेड क्रम्स। तो इसमें हम डालेंगे अंडे के अंदर हसबे जायका नमक, और बहुत ही ज़बरदस्त कलर के लिए हम इसमें शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर, जो ना सिर्फ टेस्ट देगा बल्कि अंडे को बहुत ज़बरदस्त कलर भी देगा। जिसको हम बीट कर लेते हैं,
तो जी यहाँ पे हमारे हाफ मून रेडी हैं, जिनको हम पहले हम इसको अंडे में डिप करना है और फिर हम इस पे कोट करने हैं ब्रेड क्रम्स खूब अच्छे से, कुछ इस तरह से। और इधर हमने इसको अपनी दूसरी प्लेट में रखते जाना है। इसी तरह वन बाय वन कोट करें और हाथ की मदद से खूब अच्छे से इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएं। इससे हमारे हाफ मून बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। हमारे हाफ मून रेडी हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इनको बिल्कुल फ्राई करें, इंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि पेपरिका की वजह से कितना खूबसूरत कलर आया है। लेकिन अगर आप इसको रमज़ान के लिए टी स्नैक के लिए फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इस तरह का एयरटाइट कंटेनर ले लें और बहुत ही आराम से इसको प्लेस करें इसके अंदर। इनके दरमियान में आप कुछ इस तरह से प्लास्टिक रखें और फिर इसके ऊपर आप हाफ मून्स की लेयर सेट करें। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको फ्रीज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप देखें, आप इसके साइड पे भी जगह बन गई है। आप यहाँ इसको इस तरह अगेन हम यहाँ पे प्लास्टिक की लेयर देंगे और ये बाकी के अपने हाफ मून्स भी इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो इस तरह चाहें आप जब मर्जी फ्रीज कर सकते हैं। तो जी इस तरह से आप इसको कंटेनर टाइट कंटेनर के अंदर फ्रीज कर दें और उसे फ्राई करने के चाहते तो उसे फ्राई करके इंजॉय करें। इसको फ्राई करने से बस 5 मिनट ही पहले निकालें और ऑयल को मीडियम इंच पे गरम करें और फिर इनको फ्राई करें बहुत तेज़ इंच पे। आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना, ये ना हो कि बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएं लेकिन अंदर तक हीट ना जा सके। वैसे तो कीमा अंदर कुक है लेकिन उसका गर्म होना और उसके अंदर ऑयल जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करना है। तो जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। मुझे आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।